दोस्तों हम लोग अभी निकल चुके हैं भीमसेन कोंडे के लिए। सीधा गया वारा और जगदलपुर जा सकता है और पीछे का सुकमा। हम लोग पुष्पल रोड खड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल भरने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। ये लेदा गांव है, यहाँ से लेफ्ट साइड में कट के आप लोग सीधा जाना है। फिर आगे एक दुर्वा फारा करके मिलेगा, फिर यहाँ से छिड़पल गाँव होते हुए हम लोग को जाना है आगे भीमसेन कुंड के लिए। प्यारा सा पुल चिवरवाड़ा गांव का बहुत ही खूबसूरत है। यहां से कुछ ही दूरी पर कुमाकुलेंग गांव है, वहां पर से आप लोगों को बाड़नपाल का गांव मिलेगा। दोस्तों आप ये गांव में चार पहिया वाहन रख के यहां से आप मोटरसाइकिल कच्चे रोड से निकल सकते हो। ये वाला जलप्रपात क्या बोलते हैं? ये जलप्रपात को डुडुंग बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण ठाकुर है, इसको डुडुंग डोबरा बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए बहुत है, दर्शनीय स्थल है। और इसमें क्या, इसमें कैसे इसका नाम पड़ा? इसका नाम ऐसा हुआ, मतलब अपने आदिवासी जो हैं अपने मामा भीग रहे थे कहीं भी मामा झाड़ में, और बच्चा को गए वो अपना कपड़ा से सुलाए थे, तो यहाँ से एक मछली गया और बच्चा को लेके यहाँ पे वो मतलब अपना वो निगल ली नदी में। तो उसका आदमी जो देखा वो निगल रही है, तो उसको ऐसा काट काट के ऐसा कर दी। तभी से इसका नाम डुडुम। एक मछली के नाम बस, बहुत ही सुंदर है, एक मछली के नाम से पड़ा है ऐसा बोला। बस थोड़ा सा है, अभी हम जाएंगे आपको मैं दिखा दूंगा, उसमें से थोड़ा सा नाला है, वहीं से वो जो पानी जो है धीरे से उधर धीरे से आके यहाँ से बड़ा होके इधर जाता है। लक्ष्मी नारायण ठाकुर है, कभी भी आप लोग यहाँ पर आओगे तो जरूर आप सुनते यहाँ का बिल्कुल सही, आपका दृश्य मैं जरूर करवा दूंगा, जरूर दिखाएंगे। हाँ जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि दर्शनीय वीडियो में बने रहिए भाई साहब, अभी हम लोग को घुमा रहे हैं। आगे एक और गाँव पड़ता है जो बाड़नपाल का एक पारा है, नदी पारा करके, वहाँ पर हम लोग बाइक रख के फिर वहाँ से हम लोग को पैदल यात्रा तय करना पड़ेगा। सो गाइस, भीमसेन कुंड जाने का रास्ता कितना खतरनाक है आप लोग देख सकते हो बरसात के मौसम में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना दुर्गम रास्ता है। हम लोग अभी गांव के पास पहुंचे हैं। इस गांव में लाइट की व्यवस्था की गई है, इतने अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यह गाँव चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर बाइक खड़ा करके भीमसेन कुंड जलप्रपात के लिए जाएंगे। यह भीमसेन कुंड जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य सुकमा जिला टिंगर ब्लॉक और टोंगपाल क्षेत्र के बाड़नपाल गांव में पड़ता है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, तो मेरे साथी सुकमन नाग और लक्ष्मण ठाकुर, देखिए भाई साहब बहुत थक गए यार, मृत्यु मुक्ति जाओ मैं प्रभु पहुँचने दो। अब वहाँ का देखने से मजा आएगा, वहाँ का नज़ारा किस टाइप का है। पहाड़ी इलाका, बांस के पेड़ लगे हुए हैं। ये अपना साथी आगे सुखमन नाग एक डंडा लिए हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। आप लोगों को आज एक खूबसूरत ही वाटरफॉल दिखाने वाले हैं, तो गाइस देखते हैं आगे का नज़ारा। नीचे तो बहुत ढलान है यार, यहाँ से गिर गए तो पता नहीं आदमी किधर गया। हम लोगों को ये पहाड़ी के ऊपर और चलना है, तभी जाके हम लोगों को भीमसेन डोबरा मिलेगा। तो गाइस बने रहिए यार, कितना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप भी एडवेंचर के शौकीन हो तो यहाँ पर जरूर आइए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भीमसेन जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत देसी स्टाइल में। तो कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ अभी उरुकपाल जा रहे हैं। उरुकपाल? हाँ। उरुकपाल यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, वो 1-1.5 किलोमीटर होगा। अच्छा, उधर कितना घर मन बना हुआ है? 50-60 घर है। बाप रे, ये कौन सा यानी कि ब्लॉक जिला पड़ता है? ये
खानदानर पंचायत पड़ेगा, दरबा वाला पड़ेगा। आप लोग इतना जंगल में रहते हो, डर नहीं लगता है? क्या डर लगता है, हम लोग इतना दूर घने जंगलों के बीच में पैदल जाते हो क्या करेंगे रो, रोड अंदर में खेत उत बढ़िया है। हाँ खेत उत बढ़िया है। ये देखिए भाई साहब, इन लोग यहाँ उरुकपाल गांव में रहते हैं, तो इन लोग से आप उनको परिचय कराया। बहुत ही खुश लग रहे हैं, इतना दूर से आए हैं लेकिन पहाड़ी चढ़ के अभी तक आने पर महसूस कर रहे हैं। मंदिर के पास बैठे हुए भीमसेन डोकरा के पास, तो इधर नामा कुमा कॉलिंग नामा गए थे, उधर से आते आते यहाँ पर थोड़ा साइड जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा आराम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग झरना के और नीचे उतर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कितना खूबसूरत है यहाँ। बहुत से साथ पवन कुमार सोरी जी हमको नीचे गाइड कर रहे हैं। लक्ष्मण दादा थके हुए हैं, अंदर में वहाँ बैठे हैं, पीछे हैं अपना सुखमन नाग। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है जलप्रपात, ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। आपका नाम क्या है? पवन कुमार सोरी। पवन कुमार सोरी, यहाँ गहराई कितना होगा? बहुत गहराई है, एकदम 100 फीट से नीचे में। हाँ यहाँ बहुत पहले गर्मी समय भी ऐसी पानी रहता है कि गर्मी समय भी ऐसी पानी रहता है, इतनी रहता है ना, इतनी रहता है, थोड़ा सा कम होता है। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ बहुत गड्ढा है ना, गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। हाँ बहुत ही सुंदर दिख रहा है अगर, और यहाँ कोई डर वर की कोई चीज़ नहीं ना? यहाँ कोई डर नहीं, पहले डर था, अभी लोग भगाना जाना और है, इसलिए कोई डर नहीं, डर नहीं है। शेर बालू का उसमें डर नहीं, पहले तो यहाँ पर कोई नहीं आते थे, तो शेर बालू यहाँ पर आते थे ना, करते थे। हाँ ये पवन कुमार सोरी जी हैं, यहाँ के उरुकपाल गांव में रहते हैं, भीमसेन से थोड़ा आगे में आप लोग देख सकते हैं, इसी को भीमसेन कुंड कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 100 फीट भी है नीचे, ऐसा दादा ने बताया, शायद हो सकता है। यहाँ चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ खूबसूरत सा ये चारों ओर पहाड़ियों से गिरा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर का हिस्सा है आप लोग जो देख रहे हो, ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का कुंड है जहाँ पर पवन दादा ने बोला था 100 फीट की गहराई है, वहाँ से पानी इस तरह से नीचे झरने का रूप ले लेता है, और ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। क्या नज़ारा है यार, देखने लायक है। ये देखिए भाई साहब, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ के, क्या खूबसूरत नज़ारा कुदरत का बनाया हुआ। लोग अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं, तो अब ये अपना सुखमन दादा और पवन सोरी जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। हम लोग इधर से नीचे की ओर आ रहे हैं, आज भी ये जगह दुनिया से अनजान है। दिख रहा है कैमरा, वहाँ से हम लोग नीचे आए हुए हैं, तो ये देखिए क्या खूबसूरत जगह, वीडियो में बने रहिए। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आप लोग नीचे टाइम में देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग अगर यहाँ कभी आना हुआ तो बोल कर पानी के पास न जाए। यहाँ कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए कितना मुश्किल है यहाँ से चढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे गहराई कितना हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए। कुंड के पास आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गुफा है। पवन दादा का कहना है कि यहाँ पर पहले शेर और बालू रहा करते थे, आप लोग देख सकते हो बहुत ही डेंजर जगह है यार। पहाड़ी से उतरने के बाद हम लोग अभी कुंड के पास जा रहे हैं, हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं भीमसेन कुंड के पास। दोस्तों टोंगपाल से 24 किलोमीटर और पैदल यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके भीमसेन कुंड पहुंच सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना डेंजर जगह है भाई, हम लोग का पसीना निकल गया यहाँ जाते जाते। ये देखिए अपना लक्ष्मण भैया बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं।
आराम से दादा। ये देखिए नीचे का वाटरफॉल, ये भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, अभी नाला पार कर रहे हैं। देखिए नीचे पैर रखो, नीचे नीचे रखो, ये देखिए हम लोग को यहाँ पर मशरूम भी मिला है दोस्तों। जंगल में तो सब कुछ मिलता है यार, आप देख सकते हो बम्बू का मशरूम। यहाँ पर हम लोग वाटरफॉल भी देखने आए, साथ में मशरूम भी मिला। कैसे ठाकुर भैया? हाँ ठीक है, मशरूम भी मिला। हाँ के भाई साहब कितना ज़बरदस्त फोटो निकला है यार, हम लोग को आज डबल जोश मिला है यार। फोटो आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत वाटरफॉल बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए पूरा पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता है पानी, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ना, मज़ा आता है यार यहाँ पर देखते। आज बहुत मज़ा आ रहा है यार, इतना खूबसूरत मज़ा आ रहा है। एक भाई साहब हम लोग का थक चुका है वहाँ पर, उसको एक नीचे का हिस्सा है, हम लोग जब आप उनको ऊपर से दिखाए। दोस्तों यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और इस पल का मज़ा लीजिए। यहाँ पर प्रकृति से भरपूर, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह खूबसूरत वाटरफॉल देखने में बहुत ही सुंदर है, आप लोग एक बार ज़रूर आइए। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि किसी प्रकार आपको नए नए वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार।